खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कानून में तरमीम पर नजर सानी, इमरान खान कमेटी के सरबराह बन गए, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर नैब को धमकियां देने का इल्जाम। किस्म की रुकावट इन्होंने नैब के रास्ते में डाली और एहतसाब के एहतसाब को कम करने के लिए चाहे प्रोविंशियल लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, हम उसकी सख्त मुखालफत करेंगे। एहतसाब को तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे, परवेज रशीद डट गए। सियासी जमातों के तहफुजात पर इत्तेफाक राय से लाहे अमल बनाने का ऐलान, शहबाज शरीफ कहते हैं नैब अपनी हदूद में रहे। सिंध हुकूमत ने एफआईए की कार्रवाइयों पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए विफाक की पेशकश कबूल कर ली, तर्जुमान वजीर आला का कहना है नैब भी इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। फिरोजवाला में बदरूहों से निजात के लिए 8 बरस का बच्चा कत्ल, मां ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़े जुर्म कर लिया, लेकिन जाली पीर कानून की गिरफ्त से बाहर। कराची में सियासी जमात की 17 रुकनी टारगेट किलिंग टीम का कारकुन गिरफ्तार, एहलकारों समेत 16 अफराद के कत्ल और अफगानिस्तान जाकर तरबियत लेने का एतराफ। मुल्तान में पुलिस के वायरलेस ऑपरेटर की सीटों पर भर्ती के लिए दौड़, मैदान में कई मर्द भी हलका। नाए बॉक्सिंग तुझको नाए कराटे, बोले बाबा सीढ़ी आई को खिला मुझे पराठे। घाटे में रहकर याद आ गए पराठे, मुतरन्नम आवाज में तनख्वाह ना बढ़ने का गम, कराची पुलिस का एएसआई कमांडो राव दीन मोहम्मद गुलुकारी का शौकीन। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के पहले रोज शर्मिला टैगोर की फनी जिंदगी जेर बहस।